थेरेपी में गलत फहमी है कईयों को कि थेरेपी का मतलब धीरे धीरे बोलो तब ठीक होगा। नहीं यार, ये थेरेपी नहीं है। थेरेपी का मतलब है मुझे अच्छा ओरेटर बनना है। स्टैमरिंग तो कोई रास्ते में ठीक होनी चाहिए। अब अच्छा ओरेटर बनने के लिए मैं इंटरव्यू देने ऐसे थोड़ी जाऊंगा, माय नेम इज अतुल, दिस इज नॉट थेरेपी। अब अलग अलग जगहों पे होके आते हैं, वो कहता है मैंने भी थेरेपी करी, वो भी यही कराता था, वो भी यही कराती थी, वो भी यही करते थे। तो पता लगता है धीरे धीरे ना स्पीच थेरेपिस्ट से एक कॉन्फिडेंस हट रहा है। इतनी सी बात समझ आ जाए कि स्टैमरिंग में खाली स्पीच थेरेपी काम नहीं करती। स्पीच थेरेपी का मतलब स्पीच ऑर्गन्स का थॉट प्रोसेस के साथ एक बैलेंस बनाना सीखना। अब इसे नेक्स्ट सीढ़ी भी तो चढ़ें, दैट इज साइकोथेरेपी। साइकी के साथ खेलते हैं। अब जब ये दोनों चीज़ें करनी आ गई, अब ग्रुप में चलते हैं। ग्रुप का मतलब वो कंफर्ट जोन छोड़ के लोगों के सामने बोलने का। अब जब स्पीच थेरेपी हो गई, साइकोथेरेपी हो गई, ग्रुप थेरेपी हो गई, अब मेंटेनेंस थेरेपी। अब मेंटेन करते हैं इस फ्लुएंसी को। मेंटेनेंस में जो भी प्रोग्राम से आप फ्लुएंसी लाए हो, इसको कंटिन्यू रखो। तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे हकलाहट से हट के अच्छे स्पीकर की तरफ चल रहे हैं। और जब चलते जा रहे हो तो फिर जितने पुराने पुरानों को मिलते हैं उनसे पूछो थेरेपी करता है क्या, कहता है यार अपने आप ही होती है, अब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। किसी की प्रोफेशनल हेल्प लेना कोई ख़राब चीज़ नहीं है, चाहे वो स्पीच थेरेपिस्ट हो, चाहे वो साइकोथेरेपिस्ट हो, चाहे साइकोलॉजिस्ट हो। अभी संदीप ने बहुत अच्छी बातें हमें बताई कि जो अंदर हो रहा है इसको लोगों के साथ शेयर कर लो यार, अपने अंदर रखने से तो और परेशानियां बढ़ा रहे हैं अपनी। चाहे मदद नहीं भी मिलनी होगी, बट मैंने तो बर्तन खाली किया। खराब बर्तन में दूध नहीं डाला जाता, नहीं तो वो भी फट जाता है। थैंक यू वेरी मच। सो आई होप यू